ये तीनों मेथड हमें इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है जहां पे एक हमें मैट्रिक्स टाइप का इसका प्रॉब्लम दिया रहेगा। तो मैं इस प्रॉब्लम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, सिर्फ डाटा आपको देखना है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि इधर जैसे ए क्या था, हमारा अवेलेबिलिटी था, कितना अवेलेबल है, या फिर हाँ अवेलेबिलिटी था, इधर डिमांड था, ठीक है, या फिर ए कह लीजिए ए हमारा ओरिजिन था और ये डिस्टिनेशन था, ठीक है। इस तरह हमने कल पढ़ा था, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, तो ए हमारा डिमांड था, ए अवेलेबिलिटी था, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसमें अननोन है, तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ना है ना, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इसमें क्या करेंगे, जैसा नाम है ना, इसको रिकॉल करवा दूं, याद करने का तरीका, हम जब ईस्ट वेस्ट साउथ इस टाइप से डिनोट करते हैं, तो इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर साउथ होता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट करने का मतलब क्या, कुछ इधर की हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरह इस टेबल में हम जो शुरुआत करेंगे यहां से करेंगे। कल का मैट्रिक्स याद करिए, जो मैट्रिक्स टाइप से हमने कुछ कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया था, तो कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया था, तो इसका नाम दिया था कुछ C11, C12, C13, एक कॉस्ट दिया हुआ था, C21, C22, C23, इस टाइप से जैसे हम लोग मैट्रिक्स में फिल करते हैं। और यहां पे हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा इसके करस्पॉन्डिंग X11 होगा, यहाँ पे जो निकलेगा X12 होगा, यहाँ पे जो निकलेगा X13 होगा। तो किस टाइप से निकलेगा वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो आपको शुरुआत करना है इसमें, मैं थ्योरी बाद में बताऊंगा, प्रॉब्लम हम देखते हैं, शुरुआत करना है यहां से, ठीक है। शुरुआत में आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस देखने के लिए इनका सम ले लीजिए, ए सम जो अवेलेबिलिटी है, इसका सम क्या हो जाएगा 6 और 5 11, और ये जो डिमांड है इसका सम क्या हो जाएगा 5 + 3 8 + 2 10 और 1 11। तो जब ये दोनों सप्लाई और डिमांड रिक्वायरमेंट जो भी है ये सब इक्वल होगा, अवेलेबिलिटी, ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तभी ये बैलेंस होगा और इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप क्या एलोकेट करेंगे, आपको यहां से शुरुआत करना है फर्स्ट। इसको ना मैं क्लियरली इस मैट्रिक्स को नोट डाउन कर ले रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। इसमें इसमें से 1 और 6 में जो मिनिमम होगा वो डाटा इसको असाइन करेंगे। तो दोनों में मिनिमम कौन है, 1 है, 1 हो गया, ओके। अब 1 हो गया तो इसमें अब क्या बचा, आपने 1 असाइन कर दिया, तो यहाँ पे अब 1 माइनस कर देंगे 6 में से, तो ये अब आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जिस रो या कॉलम में डाटा फुल हो जाएगा उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में जो डिमांड था ये पूरा हो गया, ठीक है। तो पूरा हो गया तो आपको फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, हालांकि मैं लास्ट में एक ही में कराऊंगा, फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा सा क्लियर। अरे फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया तो आपको 3 5, फिर इधर हो जाएगा 5 और 6, इधर हो जाएगा 8 और 7, यहां तक क्लियर होगा। अब ये देखिए जो 6 था अब ये कितना बन गया, 5, ये नीचे वाले में कोई चेंजेज नहीं था, ये 5 था। अब इधर कितना था, 2 3 और 5। अब फिर से आपको यहां से शुरू करना है, तो यहाँ पे आप किसको असाइन करेंगे, जो इसमें और इसमें मिनिमम होगा, मिनिमम कौन है, 2, तब यहाँ पे आ जाएगा 2, क्लियर। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो और एक कितना बचेगा, 2 माइनस कर देंगे आप तो 3 हो जाएगा। तो अब ये फिर से इस कॉलम को हटा देना है। अब नेक्स्ट फिर आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये नेक्स्ट बनेगा 5 8 6 7, इधर कितना था आपका 3 और नीचे कितना था 5, इधर कितना था 3 और इधर 5, क्लियर। अब फिर इससे शुरू करेंगे, ओके। तो अब इसमें आप कौन असाइन करेंगे, जो इस दोनों में मिनिमम होगा, अब यहां तो दोनों इक्वल आ गया, तो अब क्या करेंगे, किसी एक को असाइन कर दीजिए। अब मान लीजिए मैंने दो तो रो कॉलम वाला कर लिया ना, चलो रो वाला करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 3 हो गया, इसको 3 असाइन कर दिया, तो फर्स्ट ए रो चला जाएगा आपका, ओके, और ए अपडेट होकर कितना बच जाएगा, 0, ठीक है। अब यहां से अब फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, हालांकि आप क्विकली करेंगे तो जल्दी होगा, बट फर्स्ट टाइम है तो मैं समझा दे रहा हूं। अब आपके पास क्या बचा, 6 और 7, ठीक है। इसके नीचे कितना था, अभी अपडेट होकर 0 बच गया, और इधर 5 और इधर भी 5, तो इसको कितना एलोकेट हो जाएगा, 0, और इसको कितना एलोकेट हो जाएगा, 5, क्लियर। तो अब फाइनल मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग,
तो मैं इसी मैट्रिक्स को यहां से फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। ए हम सब पढ़ रहे हैं अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अभी लोकेशन करिए, फर्स्ट में क्या किया था हमने, वन किया था, ओके। सेकंड में इस थ्री वाले को किया था कितना, टू किया था। ये कौन सा था, इधर एक खत्म हुआ था ना, तो टू इसको किया था ना, थ्री को, यहाँ पे आपका टू हो गया। फिर हमने नेक्स्ट किसको किया था, ये डिलीट हो गया था, तो इस फाइव को थ्री किया था, तो इस फाइव को, क्लियर। तो इधर छह और सात बचा, तो छह को जीरो और सात को पांच, तो छह को जीरो सात को पांच, इस तरह से आपको सोल्व करना है। यही कंप्लीट मेथड है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ओके। तो अब आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया एलोकेशन, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका है, कल वो समेशन वाला शायद आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, नहीं याद होगा मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं, टोटल कॉस्ट, ठीक है, बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ समेशन में हम लोग पढ़े थे सी आई जे इंटू एक्स आई जे, अब ये रेगुलर नहीं है, ये उनके लिए जिसके करस्पोंडिंग हमारा बेसिक वेरिएबल्स या बेसिक सोल्यूशन आए थे, ठीक है। तो वो यहां पे करेंगे तो देखिए, ए वन इंटू वन प्लस ए थ्री इंटू टू प्लस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स इंटू जीरो प्लस सेवन इंटू फाइव। अच्छा, सोल्यूशन निकालने से पहले एक चीज और हम देखते हैं इसमें, देखिए हमने पढ़ा था कल डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, क्लियर। तो एम प्लस एन माइनस वन टोटल था, तो उसमें हम क्या कह रहे थे, अगर एम प्लस एन माइनस वन हो रहा था तो बेसिक सॉल्यूशन हो रहा था, और अगर ए टोटल एलोकेशन लेस देन इतना हो जा रहा था तो क्या हो रहा था, वो डीजेनरेट हो जा रहा था। नॉन निगेटिव एलोकेशन, सॉरी पॉजिटिव एलोकेशन, नॉन जीरो पॉजिटिव एलोकेशन, तो यहाँ पे देखिए कितना पॉजिटिव एलोकेशन है, यहाँ पे एम बराबर कितना है, सॉरी डायरेक्टली एम प्लस एन निकालिए, एम प्लस एन माइनस वन, तो ए दो और ए चार, कितना हुआ, दो प्लस चार और ए माइनस वन, टोटल कितना हो गया, फाइव हो गया, ओके। नॉन निगेटिव एलोकेशन कितना है, एक दो तीन और चार, तो नॉन निगेटिव एलोकेशन कितना हो गया, चार हो गया ना, और फोर लेस देन फाइव, तो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट सोल्यूशन, क्लियर, ओके। मैं ओके डीजेनरेट का फीचर दिखाता हूं। सेकेंड थिंग, एक और मेथड मैंने बताया था कि कोई भी एक बेसिक सॉल्यूशन में जीरो हो जाए ना तो भी हम डीजेनरेट बोलेंगे, तो जीरो मतलब उसका हम निगलेक्ट ही करके चलेंगे ना, जीरो मतलब हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सॉल्यूशन जीरो आ रहा है, तो जीरो एक सॉल्यूशन आ गया, और टोटल देखिए बेसिक सॉल्यूशंस कितने हो गए, छह हो गए, एक दो तीन चार पांच, सॉरी पांच, यहाँ पे पांच ही आना था ना, तो बेसिक सॉल्यूशन कितने हो गए, पांच हो गए, और इन पांचों में से कोई एक भी सॉल्यूशन जीरो हो जाता है तब वो डीजेनरेट बनता है, ठीक है। दूसरा मेथड था, या फिर टोटल नॉन निगेटिव, सॉरी टोटल पॉजिटिव एलोकेशन जो है, मतलब नॉन जीरो एलोकेशन अगर लेस देन हो रहा है इसे, तब नॉन डिजिनेट, सॉरी डिजिनेट होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं कल जो डिस्कस किया था रिकॉल करवा देता हूँ एक बार क्विकली, यही था डिजिनेट वाला, एनी बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन विच कंटेन्स एम प्लस एन माइनस वन नॉन निगेटिव एलोकेशन देन प्रॉब्लम इज सेड टू बी डिजिनेट, ओके। और सेकेंड था, फर्स्ट वन था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसमें था कि नॉन निगेटिव एलोकेशन हो, एम प्लस एन माइनस वन हो, ओके। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ और करना था, बट यहाँ पे दिख गया तो मैंने सोचा कि उसको भी साथ में करवा दें। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आया, मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करिए, वन प्लस सिक्स प्लस फिफ्टीन प्लस जीरो प्लस थर्टी फाइव, यही है, कितना आ जाएगा, ये फोर्टी दस फिफ्टी सिक्स सेवन, इतना आ रहा है क्या आप लोगों का नॉर्थ वेस्ट। अब हम इसको मैंने नोट डाउन किया हुआ, डोंट वरी, आप लोग को ये नहीं टेंशन लेना है, यही चीज सबने नोट्स में देखा होगा, तो मैं क्विकली करवा दे रहा हूँ, ओके। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ये था, अच्छा आप लोग समझ गए ना, चलिए इस क्वेश्चन को क्विकली करिए, सभी का आंसर आना चाहिए, क्योंकि सबके पास नोट्स पहुंच गया था, मेथड मैंने समझा दिया, तरीका सबको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को क्विकली करिए आंसर। चलिए ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, ठीक है, जिनको डाउट है, जो लोग कर रहे हैं वो करते रहिए। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्विक रिव्यू कराता हूं, एक बार में जल्दी नहीं समझ में आता, मैं समझ सकता हूं। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स टाइप से दिया हुआ है, क्लियरली, ओके। आपको इस कॉर्नर से शुरू करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, अभी आपने एक ही पढ़ा, इस मेथड यहां से इस कॉर्नर से शुरू करना है, इस दोनों में मिनिमम देखना है, मिनिमम कौन है, फाइव, इसको हमने असाइन कर दिया फाइव, ओके।
फाइव इन दोनों में किसको असाइन किया, फर्स्ट रो को किया ना, फर्स्ट रो कैंसल आउट, ठीक है। अब इसमें आपको नहीं सोचना है, यहां से आप वैल्यू लिखना चाहे तो कितना होगा, एक्स वन वन का वैल्यू फाइव, ओके। सेकेंड थिंग, अब आपके पास जो मैट्रिक्स बचा उस मैट्रिक्स में फिर से देखिए, और ये अपडेट होकर कितना जाएगा, फाइव की जगह अब इसको फाइव को माइनस कर देना, तब इसकी वैल्यू टू हो गई, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कॉर्नर के देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, एट और टू में मिनिमम कौन है, टू है, इसको हम लोग एलोकेट कर देंगे टू, ठीक है। टू किसको किया, इसको किया, फर्स्ट कॉलम को बाहर कर देना है, किसको एलोकेट किया था, टू वन को, तो एक्स टू वन का वैल्यू हो जाएगा आपका टू। अब नेक्स्ट ए अपडेट के होके कितना जाएगा, एट की जगह अब सिक्स हो जाएगा, इस टाइप से एक ही जगह करना है, ओके, सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सिक्स हो गया, तो अब इस मैट्रिक्स में देखिए इस कॉर्नर को असाइन करना, इसको क्या असाइन करेंगे, सिक्स और नाइन में मिनिमम ये सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू करिए आप लोग, फास्टली ये तब तक करते जाना जब तक आप लास्ट तक ना पहुंच जाए या सारे रिक्वायरमेंट पूरा ना हो जाए। वेरी गुड, सिक्स बेसिक वेरिएबल्स, ओके। अच्छा साथ में आप लोग ये भी बताइए कि डिजेनरेट सॉल्यूशन है कि नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है, नॉन डिजेनरेट, ओके ठीक है। मैं अब आगे करता हूं, इसको कंप्लीट करवाता हूं। तो यहां से अब ये सिक्स हो गया, ठीक है, सिक्स हो गया, और ए इसको सिक्स एलोकेट कर दिया तो ए आपका थ्री हो जाएगा, ओके। तो अब आपका एक रो खत्म हो जाएगा, तो ए कितना किसको मैंने एलोकेट किया था, एक्स टू टू को, एक्स टू टू हो जाएगा आपका सिक्स, क्लियर, ओके। नेक्स्ट करेंगे, इसको थ्री कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें थ्री और सेवन में मिनिमम कौन है, थ्री, तो इसमें क्या एलोकेट हो जाएगा, थ्री, तो एक और ए कॉलम खत्म हो जाएगा, और ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा, फोर, तो एक किसका था, थ्री टू, तो एक्स थ्री टू हो जाएगा आपका थ्री। अब नेक्स्ट आपके पास एक ही बचा, तो अब तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप फोर एलोकेट कर दोगे, इसको फोर्टी, क्लियर। तो ये हो गया एक्स कौन था, थ्री थ्री, एक्स थ्री थ्री हो गया फोर, एक्स फोर थ्री हो गया फोर्टीन। अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना है। तो फाइव मैं डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, अब ये नहीं कि एक बार ये वैल्यू लिखना फिर मल्टीप्लाई करना फिर समेशन करना, ये सीखने के लिए होता है, करने के लिए नहीं, ओके। तो डायरेक्टली फाइव टू जा टेन प्लस थ्री इंटू टू सिक्स, ठीक है, प्लस सिक्स इंटू थ्री एटीन, ओके, प्लस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, प्लस और किसको किया था, ए सेवन था ना, सेवन फोर ट्वेंटी एट, फिर लास्ट में बचा फोर्टीन, तो फोर्टीन प्लस फोर्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा इसका 102 आएगा। तो आई होप सबको क्लियर होगा, ओके। अच्छा कितने एलोकेशन हुए, एक दो तीन चार पांच छह, टोटल एलोकेशन सिक्स, और m प्लस एन माइनस वन कितना है, m प्लस एन माइनस वन कितना है, चार तीन सात में से गया छह, ये दोनों बराबर हो गया, तो क्या होगा, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो आई होप सबको क्लियर होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब इसको क्विकली एक बार हम लोग देख लेते हैं, सबका आंसर सही है, वेरी गुड, ऐसे क्विकली करना है एग्जाम में। और देखो मैंने एक ही पेज पे बिना मिटाए हुए एक ही पेज पे करेक्ट आंसर तक कर दिया, तो आपको एग्जाम में यही करना है, पीछे जो समझाना था इसलिए थोड़ा सा लंबा गया। अब इसको फटाफट एक बार जो मैंने बोला था वो देख लीजिए, ये हमने कंडीशन चेक किया कि दोनों इक्वल होगा तभी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो नाउ वी ऑब्टेन दिस दिस, अब वही करें स्टार्ट विद द अपर लेफ्ट कॉर्नर, जैसे नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट का मैंने मतलब समझाया उसी तरह से आपने नॉर्थ वेस्ट का स्टार्ट किया, तो वहां किसको एलोकेट करेंगे, जो दोनों में मिनिमम हो रहा था, जो मेथोडोलॉजी मैंने समझाया यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला ना फाइव और सेवन का मिनिमम, दैट इज ए वन और बी वन का मिनिमम, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए वन बी वन, ये इसको एलोकेट कर देंगे। एलोकेट करने के बाद हम क्या कर रहे थे, दूसरे में से माइनस कर रहे थे, वो वाला माइनस वाला बता दिया। सेकेंड एलोकेशन टू सेल दिस, किसमें किया, दोनों में जिधर माइनस हो रहा था मतलब छोटा वाला वैल्यू हो रहा था उसको हमने एलोकेट किया, तो देखो एट और सेवन था तो उसमें से फाइव हमने माइनस कर दिया, तो अपडेट होकर क्या हो गया था, वो टू हो गया था, तो एट और टू का मिनिमम क्या था वहां पे, टू था, तो हमने टू रख के किया था, जैसे आपने किया ये एलोकेट कर दिया, और ये तब तक करते रहना है जब तक कि आप कंप्लीट ना कर दो कॉस्ट मैट्रिक्स को, ठीक है, सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे। अभी वही मेथोडोलॉजी की, जब ए ग्रेटर देन होगा तो इस क्वेश्चन हम कैसे करेंगे आप पूरा समझ ही गए होंगे,
अगर ए फाइव लेस देन था सेवन ग्रेटर, मतलब ए फाइव छोटा था सेवन बड़ा था, तो हमने इधर का कट आउट किया और यहाँ पे अपडेट होकर टू हुआ, फिर हम इधर से देख रहे थे, तो जिधर का मिनिमम होता है उधर ही देखते हैं, वही लैंग्वेज में आपको वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन देन मूव वर्टिकली एंड इफ लेस देन देन मूव ओरिजेंटली, ये वही बात लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से समझ गए। आपको फिर भी मन करे तो आप घर पे पढ़ लेना, होपफुली आप पढ़े होंगे। ओके तो एक क्वेश्चन है, अच्छा ये वही वाला आंसर है 102। आपका होमवर्क रहेगा क्लास खत्म होने के बाद सेकेंड क्वेश्चन को करना है, पेज नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर 43 पे एक एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को करना है, ईमानदारी से करना है, क्योंकि देखो आप मान लो चोरी करके भी करोगे तो मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होगा ना, आपको सीखना है। तो एक क्वेश्चन कर लिया, एक एग्जाम का हमने कर लिया, जो पिछला क्वेश्चन करो गेट का पूछा हुआ, गेट 2018 के या 19 के जब का भी क्वेश्चन था, तो इसको ऑनेस्टली वर्क करना है। फिर इधर कंक्लूजन लिखा हुआ है तो बस सोल्व नहीं किया हुआ, तो सोल्व आपको करना है, आंसर आपका ये आना चाहिए और ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये चीज आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड, ओके, या फिर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो इसमें जैसे नाम है ना उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है हमें, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या करना है हमें, मैट्रिक्स जो दिया था वहां पे उस मैट्रिक्स के अंदर पहले सबसे मिनिमम वाला खोजना है, ठीक है। पहले मेथोडोलॉजी बता, मेथोडोलॉजी का बताने कोई जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन ही डायरेक्टली करवाता हूँ, ठीक है। तो वही जो फर्स्ट डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन द मैट्रिक्स इन गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो ठीक है मैं एक नजर फटाफट दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे हमें जो मैट्रिक्स दिया था पीछे का, वो मैट्रिक्स दिया था ना कॉस्ट मैट्रिक्स, उनमें से कोई ना कोई एक तो सबसे छोटा वैल्यू होगा, तो कुछ मान लीजिए उसको सीआईजी हमने नाम दे दिया, वही तो वही लिया हुआ कि लेट इट बी सीआईजी, ओके। अब उसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम एलोकेट करते रहे थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में, दोनों में से मिनिमम देख रहे थे, जो मिनिमम था वो एलोकेट कर दे रहे थे, सेम चीज यहाँ पे कर देना है, एलोकेट कर देना है। अंतर क्या है, वहां पे हम शुरू कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कहीं से भी जहां पे मिनिमम मिल जाए हमें क्या कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा उस मैट्रिक्स के अंदर, वहां से शुरुआत करें, वहां पे नॉर्थ वेस्ट कर रहे थे, बाकी सब कुछ मीनिंग सेम है। तो आई होप सबको समझ में आ गया, एक तरह से कहा जाए तो मैट्रिक्स मिनिमम भी खत्म हो गया आपका, एक नजर फटाफट देख लेते हैं। ओके अब ये चीज वही है कि ए लेस देन होगा, तो वहां पे भी हम माइनस कर रहे थे ना, ये सब कर रहे थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, और स्ट्राइक करना मतलब जो मैं कट करके हटा दे रहा था, तो अब हम प्रॉब्लम समझते हैं एक बार और फिर से मैं दिखा दूंगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। और जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम क्या करते, तब तक सोल्व करेंगे जब तक कि हमारा कंप्लीट टेबल, मतलब टेबल का कंप्लीट सोल्यूशन ना निकल जाए, आपको खुद ही पता चलेगा लास्ट में जाके आपने टेबल पूरा कर दिया, दैट इज जो रिक्वायरमेंट या सप्लाई डिमांड जो कुछ भी दिया हुआ है, मतलब ए जो डाटा, मतलब ए जो डाटा दिया हुआ है ए, और ये डाटा पूरा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप को ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चन में आप पहले चेक करेंगे कि इनका सम और इनका सम इक्वल है कि नहीं है, नहीं है तो बैलेंस्ड नहीं होगा, और बैलेंस्ड नहीं होगा तो फिजिबल सॉल्यूशन या जो भी बेसिक सॉल्यूशन है नहीं निकलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने चेक किया, तो पीछे भी हम चेक कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 आया, मतलब समथिंग जो भी आया, इधर से चेक किया, इधर से चेक किया, इक्वल आ गया, बात खत्म, मतलब सोल्यूशन मिलेगा। अब हम आते हैं अपने मेथड पे, अच्छा इसी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मिनिमम कौन सा है, आपको दो जगह मिनिमम दिख रहा होगा, क्लियर, आपको जो मन करे वो चूज कर लेना, ठीक है। आपको जो मतलब मिनिमम दोनों में दिखे वो आपको ले लेना है यहाँ पे, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसमें नोट डाउन किया हुआ मैं अलग करूंगा तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, तो मेथोडोलॉजी समझा दे रहा हूं। तो जब भी इस टाइप का टाई हो आप रेंडमली सेलेक्ट कर लेना, कोशिश करना मिनिमम कॉस्ट वाला करने के लिए, ताकि डायरेक्टली बाहर हो जाए। अगर हम इसको लेंगे तो देखो 6 और 8 है, तो यहाँ पे भी ये बाहर ही हो जाएगा, बट आप मतलब आप जो मन करे ना ले सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप कौन सा चूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, अब इसको क्या असाइन करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल होगा, एक्स 3 1 होगा, ओके। एक्स 3 1 कितना असाइन करेंगे, 10 और 4 में मिनिमम कौन है 4, तो इसका असाइनमेंट हो जाएगा 4। बस इसमें थोड़ा सा आपको क्या चेंज किया ना, पिछला वाला मेथड है A to Z, बस स्टार्टिंग पॉइंट बदल गया, और स्टार्टिंग पॉइंट जैसे बदल तो उसी को रिकर्सिवली हम यूज कर रहे हैं ना, तो हर जगह वैसे ही करेंगे, डिलीट करो मिनिमम देखो, डिलीट करो मिनिमम देखो, असाइन करो डिलीट करो मिनिमम देखो, असाइन करो, बस वहां पे क्या था, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करो, असाइन करो डिलीट करो, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करो, असाइन करो डिलीट करो, बस। तो यहाँ पे 4 असाइन कर दिया, इसको असाइन कर दिया, एक काम खत्म। अब हम इसमें देखेंगे तो 10 अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 4
फोर हो जाएगा, सॉरी फोर एस एन के ना सिक्स हो जाएगा, ए सिक्स हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। यही लिखा था कि स्ट्राइक द आईएथ रो और आईजेथ कॉलम जो भी वाट एवर। ओके, अब इस मैट्रिक्स में फिर से देखिए मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो मिनिमम आपको सेकंड तो जीरो दिख ही रहा होगा, तो आप फिर इसको चूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या असाइन करेंगे, इसमें देखिए इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कौन सा है, सिक्स और एट हो गया, दोनों मिनिमम कौन है सिक्स, तो इसको एलोकेट कर देंगे सिक्स। अब सिक्स इसको एलोकेट किया तो ये खत्म काम, एक कॉलम बाहर। तो अब यहां से हमें कौन सा मिल गया, एक थ्री टू, सॉरी टू फोर है ना, एक टू फोर ये हो जाएगा, इसको सिक्स दे दिया। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके, अब आपके पास ए मैट्रिक्स बचा, इसमें फिर से मिनिमम देखिए। तो अब जो बचा मैट्रिक्स, आपको एग्जाम में ऐसे करना है, एक लाइन भी लिखने पर फोकस नहीं करना है। लेकिन एक चीज, एग्जाम में आपको पेन पेपर नहीं मिलेगा, कंप्यूटर पर आएगा, तब तो आपको थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा, क्या एक टेबल बनाने वाला, क्योंकि आप कंप्यूटर पर कैसे सोल्व करेंगे। तो टेबल तो बनाना पड़ेगा, जो आपको गेट के एग्जाम में, नेट का मुझे आइडिया नहीं, गेट के एग्जाम में एक छोटा सा पैड देते हैं डायरी टाइप पे, ठीक है, उसी पे आपको सोल्व करना होता है, 10-12 पेज होता है, छोटा सा होता है, A4 का 1x4 होता है। तो अब इसमें वहां पे एक मैट्रिक्स बना लेना, एक मैट्रिक्स लिखने का आपको मेहनत लगेगा, और उसी पे जैसे मैं देखो मैं मिटाऊंगा कुछ भी नहीं, लिखते जाऊंगा, क्योंकि सेम वे में आपको वहां वर्क करना है। ओके, अब इस मैट्रिक्स में देखिए मिनिमम कितना है, तो मिनिमम दो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो आप चारों जगह किसी भी जगह ले सकते हैं ना, तो आपका जो मन करे सो चूज कर लेना, ठीक है। आपको जो ठीक लग रहा है इसमें, कि रेंडमली इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कौन सा चूज करना है। ओके, कोई भी चूज कर लो, जो मन करे। मान लो मैं इसी को चूज किया, तो इसको चूज किया तो क्या असाइन करूंगा, सिक्स और एट में मिनिमम क्या है, सिक्स असाइन कर दिया, ठीक है, तो ये चीज बाहर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, एक्स थ्री थ्री ना, एक्स थ्री थ्री, ठीक है, इसका एलोकेशन क्या हो जाएगा सिक्स, क्लियर। अब ये अपडेट होकर हो जाएगा टू। अब आपके पास बचा है टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें देखिए मिनिमम क्या है, फिर से दो मिनिमम है, तो जिसको मन करे उसको ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, आपके पास दूसरा काम आ रहा है। अब ए ले लिया, तो इसमें मिनिमम देखिए ए भी दो, ए भी दो कर दिया, ये असाइन, इसको दो असाइन कर दिया। तो अब एक बार में अगर देखो यहां भी दो था, यहां भी दो था, ठीक है, मैंने थ्योरी नहीं बताया, यहां पर बता दे रहा हूं। अगर इस टाइप का आ जाए तो अब ए नहीं करना है कि रो और कॉलम दोनों गायब कर देना, कोई एक ही गायब करना है, ठीक है। तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप इस कॉलम को गायब करिए, तो ए अपडेट होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए इंडिकेशन है डी जेनरेट सोल्यूशन का, बाकी में हम कट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए जीरो आ रहा है, क्योंकि टू तो हटाएंगे ना जी, टू माइनस करने के बाद जीरो बचेगा। तो नेक्स्ट हमने किसको असाइन किया, एक्स टू थ्री, टू थ्री को कितना हो गया, टू असाइन किया। ओके, अब क्या बचा, अब ये दोनों बचाना, तो यहाँ पे तो कोई पूछने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिक्स हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो कितना हो गया, एक्स वन वन टू, वन टू हो जाएगा आपका सिक्स, और ये हो जाएगा कितना, एक्स टू टू टू, टू टू जीरो हो जाएगा, क्लियर। ओके, फाइनल आंसर सेम आएगा, आप मेथड जो भी चूज किया, तो इसका आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने में फिर से वही मेथड लगाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। और एक चीज और, जो लोग इसका आंसर अभी जितना भी बताएंगे, जिसका जितना भी आंसर आएगा, आंसर आने के बाद जो पहले क्वेश्चन करेंगे वो इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, कहां से, किस स्टेप से। यहां से देखिए एक दो तीन चार, दो हमारे पास आया था ना मिनिमम, तो मैंने चूज क्या किया था, ए वाला चूज किया था ना, आप इसको छोड़ के कोई एक जो मन करे वो चूज कर लो, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, इस तीनों में से चूज करके और फिर सोल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। तरीका से करिए, ए जीरो है तो ए कैलकुलेशन में क्या होगा, भाग तो लेगा ही नहीं, फोर इंटू जीरो काम खत्म। ए देखिए ए भी जीरो है तो छह इंटू जीरो काम खत्म। अब बचा आपका छह दोना के बार 12 प्लस ए थ्री इंटू जीरो, ए भी काम खत्म, फिर ए टू इंटू टू फोर प्लस सिक्स इंटू टू 12, तो जोड़ दिए 12 बार 24 और 4 ए 28 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्लियर हो गया। अब इसके प्रैक्टिस के लिए एक जस्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना लिस्ट कॉस्ट में, ठीक है, 6 10 15, चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को करिए आप लोग नॉर्थ वेस्ट मेथड से, सॉरी नॉर्थ वेस्ट वाला से हमने किया था ना, ए जो हमने नॉर्थ वेस्ट वाला मेथड था, इस क्वेश्चन को करिए लिस्ट कॉस्ट मेथड से, और जितना फास्ट कर सकते हैं फटाफट आंसर बताइए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 का,
क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितना टाइम के अंदर करना है। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर भी पूछता है लेकिन 1 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ है और काफी कैलकुलेशन करना है, इसका मतलब आपका स्पीड होना चाहिए, स्पीड तो स्पीड मेंटेन करिए और इसका आंसर क्विकली करिए। ठीक है, तो इसका आंसर 156 ही है। मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्प्ले कर दे रहा हूं, इतना ही टाइम दूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम का जितना टाइम उतना ही करना है। अब एक नंबर एक मार्क्स के क्वेश्चन में 5-10 मिनट लगाए तो कोई मीनिंग नहीं है ना उसका, आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। तो ये 156 है, ठीक है, और मेथोडोलॉजी आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बेसिक वेरिएबल एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया, मेरे पास ये निकला हुआ है कुछ सोल्व करने के बाद, आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गए, सबका हो गया ना? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर जगह डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए देता है। तो अब तरीका से क्वेश्चन आते हैं, तरीका से क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें समथिंग दिया हुआ है कि इफ इतना इज द सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स ऑफ ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होने के लिए क्या होना होगा, इसका सम और इसका सम इक्वल होना होगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन कुछ फॉर्मुलेट करना है, यहां से इक्वेशन सोल्व करिए तो हो जाएगा 10 + 5 = 15 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू, इधर से करिए 10, ये 5 से 5 कट जाएगा, 25 प्लस 2 μ हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गया। अब एलोकेशन हम कैसे करते हैं, इतना बिद सीकिंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हिंट दूंगा, अब देखता हूँ कि कल कितने लोग सही करके आते हैं। हिंट क्या दे रहा हूं, देखिए हमें बेसिक वेरिएबल दिया ना, तो एक बार उसको आप मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में कैसे करना है वही चीज मैं बता रहा हूँ। बेसिक वेरिएबल क्या क्या है, 1 3 है, 1 3 इसमें कौन सा होगा, ए वाला होगा, एक बार मैं मार्क कर ले रहा हूँ, 1 3, फिर क्या होगा 2 2, क्लियर, 2 3 2 3 कौन है, 2 3 2 3 ए है, फिर होगा 3 1 3 1 ए होगा, फिर होगा 3 2 एंड देन 3 4, ओके सही मार्किंग है। ठीक है, अब इनको एलोकेट करते जाइए, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसका एलोकेशन दिया कि x 23 इक्वल टू 10 है, 2 3 2 3 2 3 इसको 10 दिया है ना, चलिए इसको 10 मैंने एलोकेट कर दिया, 2 3, ओके। अब आप कैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जो हम आप कोई भी मेथड लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में हम क्या कर रहे थे, मिनिमम ही देख कर रहे थे। एक सेकंड, सब में हम क्या कर रहे थे, इधर इधर से जो मिनिमम था वो एलोकेट कर रहे थे। अच्छा, हमें सोल्यूशन पता है, ठीक है, एग्जाम में वो तो हमने मेथड सीख लिया ना, अब उसका इम्प्लीकेशन समझ रहे हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल ए वाला है, तो इसे देखिए, इसमें एक ही एलोकेटेड है ना, ये फाइनल सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो इसमें एक ही एलोकेटेड है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं यहाँ से, एक्स 1 3 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एग्जाम में अपना, यहाँ पे आपने दे दिया 10, क्लियर, क्योंकि इसमें ए आपको है। अब इसी तरह फर्स्ट कॉलम में देखिए, तो एक ही एलोकेशन है ना, तो फर्स्ट में एक एलोकेशन है, तो इसका मतलब इसको आप 10 दिए होंगे तभी ना आपका सोल्यूशन आएगा जी। तो आपने इसको भी क्या दिया, कौन था 3 1 3 1 3 1, ये हो गया आपका 3 1, ये कितना हो गया 10। और यहाँ पे आपको किसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 2 पूछा हुआ है, इतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा रुकी 1 मार्क्स का, देखिए फिर भी देखिए कितना टेक्निकल है, लेकिन आप ट्रिक से जाएंगे तो क्विकली जाएंगे। अब देखिए सिंगल कौन एलोकेशन, अच्छा एक भी, एक ए भी सिंगल है, ठीक है, तो इसको आप कितना एलोकेट करेंगे 15, ए आपको ए डिमांड एलोकेट करना है, तो इसको हमने 15 एलोकेट कर दिया, ओके 15 कितना हो जाएगा, ए 3 4 है, एक्स 3 4, ए हो जाएगा 15। अब इसी तरह आपके पास ये 3 बचा, ठीक है, अब देखिए आप आपके पास एक डाटा ए है, यहाँ पे कुछ सोल्व करने के बाद आएगा ए आएगा, उसको इक्वेट करके आप म्यू का वैल्यू निकालेंगे, म्यू यहाँ पुट करके लेमडा निकालेंगे। अब यहां से आपको यहाँ कुछ हिंट दिया हुआ है, आप जो जैसे भी जानते हैं उसको यूज करके, हमने 2 मेथड पढ़ाया, उन दोनों मेथड से ए बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं वोजल्स मेथड, ये लास्ट मेथड है इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकालने का। इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर जब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करें ना, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जगह हमें इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है बट हो जाएगा। इसमें भी पीछे वाले मेथड से कोरिलेट करते हैं, आपको क्या करना होगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सम एक देखना है, इक्वल आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो
तो इसको हम फर्दर सोल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल आ गया 950 आ गया, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ से आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग एक पेनाल्टी कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। पेनाल्टी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मेथोडोलॉजी समझिए। रो डिफरेंसेज का मिनिमम ले लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में 11 और 16 का मिनिमम कितना होगा, सॉरी डिफरेंस कितना होगा 5, और 16 और 21 का डिफरेंस 5, इस दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 5। तो यहां से जो पेनाल्टी कॉस्ट बनेगा, इसका मान लीजिए मैं पेनाल्टी कॉस्ट लिख दे रहा हूं, ऐसे समझिए ना, कुछ हम डाटा काम करते हैं तो इसको कुछ ना कुछ नाम देंगे, तो पेनाल्टी कॉस्ट इसको बोलते हैं, और निकालने का तरीका है, ठीक है। इनका डिफरेंस का मिनिमम 5। उसी तरह इधर फटाफट निकालिए, 13 और 18 का मिनिमम क्या होगा, सॉरी डिफरेंस 13 और 18 का डिफरेंस 5, और इधर हो जाएगा 6, तो दोनों का मिनिमम हो गया 5। तो फटाफट आप लोग बताते जाइए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पे 10 10 का 0। अब इधर इसी तरह कॉलम में भी करना है, ठीक है। तो इधर मिनिमम इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, तो इसका मिनिमम आई थिंक 2 हो जाएगा। इसको आप जैसे पेनाल्टी कॉस्ट निकालना जानते हैं ना, वो मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बता दे रहा हूं मैं, इधर कितना आ रहा था, जो भी होगा बताइए, ये आई थिंक 3 होगा क्या, ठीक है। तो मतलब अब ये लेना ना, अब इसमें हमें एक चूज करना है, हाईएस्ट कॉस्ट का पहले, हाईएस्ट जो पेनाल्टी कॉस्ट जो है ना, उसमें से जो मैक्सिमम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ले लीजिए। तो जैसे यहाँ पे, जैसे इधर देखिए, इधर और इस सब में मैक्सिमम कौन है 5 है, तो आप यहाँ पे 2 5 आ गया, फिर से टाई कर गया ना, तो फिर से टाई कर गया, तो आप दोनों में से कोई भी रेंडमली ले लेना, ठीक है। तो मान लो मैंने फर्स्ट कॉलम का रेंडमली, इसमें अब कोई वो नहीं है, जैसे मैं पीछे कर रहा था उसी तरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो 5 सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, मैं मिटा नहीं रहा, मिटा इसलिए नहीं रहा कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो 5 सेलेक्ट किया, तो अब एलोकेशन कैसे करना है, जैसे हम लोग पहले करते थे, तो यहाँ से हमें एलोकेट करना है इसमें फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ओके। फर्स्ट कॉलम में देखिए, इसमें और इसमें मिनिमम कौन सा है, दोनों में मिनिमम 200 है, तो 200 एलोकेट करना है किसको, जो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होगा। इस फर्स्ट कॉलम पहले आपको कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट कॉलम में आप स्मॉलेस्ट देखिए, स्मॉलेस्ट कौन सा है 11 है, 11 किसके करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे x 11। अब इसको एलोकेट क्या करेंगे हम, इस दोनों में मिनिमम देखना है, मिनिमम क्या है 200, तो इसको हम एलोकेट कर देंगे 200। फिर से वही मेथड अपनाना है, इसका पूरा हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, अभी अपडेटेड हो जाएगा, अपडेट होकर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 होने के बाद फिर से वही काम रिपीट करना है, क्या आपको पेनाल्टी कॉस्ट निकालना है, पेनाल्टी कॉस्ट में मैक्सिमम देखना है, ठीक है। मैक्सिमम देखने के बाद वो कॉलम सेलेक्ट करना है या वो रो सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मान लो अगर नेक्स्ट पेनाल्टी कॉस्ट में मैक्सिमम 5 आ गया, आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया, इस कॉलम में फिर से मिनिमम देखना है, मिनिमम एज्यूम करो 13 आ गया, तो इस 13 को क्या एलोकेट करेंगे, जो यहाँ और यहाँ पे होगा उसका मिनिमम में एलोकेट करेंगे, और जो बाकी बचेगा, जैसे मान लो अगर इसको 50 आपने एलोकेट किया तो इसको अपडेट कर देंगे। उसी तरह अगर एज्यूम करो कि आपका मैक्सिमम पेनाल्टी क्या आ गया 3 आ गया, तो आप इस कॉलम को, इस रो को सिलेक्ट करोगे, इस रो को सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो मिनिमम होगा, जैसे मान लो 10 हुआ, तो आप 10 को, 10 वाले वेरिएबल जो भी होगा क्या होगा x34 को एलोकेट करो, क्या करोगे, इस दोनों में जो मिनिमम होगा वो एलोकेट कर दोगे। इस तरह से आपको तब तक करते रहना जब तक सारे रिक्वायरमेंट पूरा ना हो जाए, और वही सारे मेथड है। फाइनल एलोकेशन के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाला जो काम करते हैं हम, क्या जैसे यहाँ पे 200 आएगा, तो 200 × 11, अब इस तरह करके फाइनल कॉस्ट निकाल देना है, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम मैं कल करवाऊंगा, तरीका समझा दिया, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। क्या था उसका नाम, वोजल्स अप्रोक्सीमेशन, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, वर्किंग रूल दोनों, ए नोट्स में नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वो तो क्योंकि बहुत कुछ लिखने में बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाता है ना। पेनाल्टी कॉस्ट निकालना है रो और कॉलम का, फिर आपको क्या करना है, मैक्सिमम देखना है पेनाल्टी कॉस्ट का, फिर क्या करना है, सेलेक्ट करस्पॉन्डिंग, ये जो मैक्सिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग रो या फिर कॉलम सेलेक्ट करना है, हमें उस रो या कॉलम में मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है, बस यही था। अब इसके पीछे तो वही जो हमने नॉर्थ वेस्ट और उसमें किया वही था, तो इसके बाद लुक ऑन द मिनिमम वैल्यू इन दैट रो और कॉलम, देन एसाइन इसको दैट रो कॉलम, एंड इसको मान लीजिए कि अगर ये आपका कुछ
जो भी आएगा कुछ उसको के मान लेते हैं, जो भी आया था लुक मिनिमम वैल्यू इन दैट, तो के आया होगा तो किसके कस्टमर, कुछ मान लो एक्स आई जे आया होगा, तो इस एक्स आई जे को आपको देन असाइन वैल्यू टू एक्स आई जे एज प्रीवियस, जैसे हमने प्रीवियसली किया था ना वैसे ही असाइन कर देना है, क्योंकि पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है ना।